तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था ना। तुम्हारा ये शक्तिशाली बैल रूप कुछ नहीं कर पाया उस कवच का, उल्टा जितना अनुमान मैंने लगाया था ये रक्षा कवच उससे कहीं अधिक शक्तिशाली निकला। भीतर जाने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। तूने मुझे पुकारा क्यों? कुछ नहीं, मैं क्या था? अब मैं बुलाने पर आते यहाँ नहीं। ये कैसा मजाक है काना? अपने तो कहा था मैं जितनी बार बोलूंगा आप आओगे। कैसे भी करके मुझे उस बालक का संहार करना ही पड़ेगा। कोई तो उपाय होगा तुम्हारे पास? यदि मैं भीतर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो बालक तो बाहर आ सकता है ना? मैं तुम्हें यहाँ व्यस्त रखूंगा और वहां बच्चा सुर उस बालक का अंत कर देगा। अब तुम्हारे अनुज को कोई नहीं बचा सकता मायावी बालक। जल, जल, मुझे जल चाहिए, मुझे सहायता करो। अब समाधान मैं अब भी लेकर आता हूँ। वत्सासुर ने भी अपना कार्य आरंभ कर दिया होगा। कृष्णा, अब तो तुझे बाहर आना ही पड़ेगा। तेरे समस्त गोकुलवासी संकट में है। कृष्णा, यदि अब तू बाहर नहीं आया तो मैं तेरे समस्त गोकुल को नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ यशोदा? अरे मेरा मन बहुत घबरा रहा है, वहां सब ठीक तो होगा ना? इसीलिए कह रहा था कि काना को साथ ले चलते हैं, उसके बगैर तो तुम्हारा मन लगता नहीं। सब ठीक होगा। कोको,
बिल्कुल वैसे ऊपर सिंगता है। अब मैं क्या करूं? दाव को पानी उतारने का वचन दिया। ये तो कान्हा की पुकार है। अवश्य नटखट मेरे साथ दोबारा उपकार कर रहा है। पहले महाजन को जल पिला दूं, वो प्यासे होंगे। ये कैसे हुआ? सब कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। अपने सभी मित्रों को जीवित देखना चाहते हो तो नहर के पीछे वाली गुफा में आकर मिलो। ये कौन हो सकता है? मैं क्या करूं? एक तरफ कान्हा, दूसरी तरफ सभी गोपाला। संभवतः कान्हा उपवास कर रहा होगा। मुझे पहले सभी गोपाला को बचाना चाहिए। वैसे भी कान्हा की रक्षा के लिए मैंने सुरक्षा कवच बनाया है, वो सुरक्षित होगा। मुझे शीघ्र जाना होगा, गोपालों की रक्षा करनी होगी। आज तुम्हारा रक्षक तुम्हारी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहा? जाओ उसे बुलाओ। मैया बचाओ, मैया बचाओ। बाबा आप कैसा बाप ने क्या बाबा, परंतु क्यों? हाँ, मैंने ही किया है। मुझे लगता है देवता उससे क्रोधित हो गए और उसे सदैव के लिए गायब कर दिया।
बाबा, आपने हमारे साथ छल किया है। एक वीर महाजन का रूप धारण करके छल किया है आपने। दोबारा से किसी के साथ मत करना बाबा, अन्यथा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। और जो छल तेरे भाई ने किया मेरे साथ, उसका क्या? लेकिन स्मरण रहे मेरे साथ साथ तेरे सभी मित्र और तेरा अनुज भी जीवित नहीं रहेगा, वो सबका अंत कर देगा। इतना सा ही है तू। मैं अवश्य तेरा काल बनकर आया हूं। हाँ, काल। मेरे पुत्र को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले मैं तेरे ही प्राण हर लेता हूं, बाद में इस बालक की बारी। वहीं रुक जाओ। अच्छा सिंह, ऐसा विश्वास मत करना। मूर्ख अपने मृत्यु के समक्ष खड़ा है और मुझे धमका रहा है। We'll be right back.
मैं तुझे कुचल दूंगा। आश्चर्य होता है, महाराज कंस ने मुझे इस भिद्ध से बालक का वध करने के लिए भेजा है, इस बालक का। तुझे कुचलने के लिए तो मेरा पैर ही बहुत है बालक। मैं तुझे कुचल दूंगा। तुम ये भस्म रखो, ये मेरा रक्षा कवच है। समय आने पर तुम्हें इस भस्म का महत्व समझ में आ जाएगा। इतना साहस बालक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगा मूर्ख, मेरी मृत्यु इतनी आसान है? कदापि नहीं।